गाइस, इंडियन फूड लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज्यादा टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ, आम पन्ना। तो आम पन्ना सबने सुना ही होगा, लेकिन बनाने का जो तरीका होता है वो सबका डिफरेंट होता है। तो प्लीज आज आप मेरे तरीके से ट्राई करके देखिए और ये बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और इवन जो कच्चे आम का फ्लेवर होता है वो तो बहुत ज्यादा टेस्टी होता ही है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। चलिए अभी हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमने क्या क्या यूज किए। सो गाइज, अभी हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चार जो मैंगो लिए हैं कच्चा आम, और उसको पील ऑफ कर लिया है, छिलका निकाल लिया है। और एक कप मैंने मिंट लीव्स लिए हैं, 1 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, और 400 ग्राम हमने यहाँ शुगर लेना है नॉर्मल वाटर, और ब्लैक सॉल्ट 1 स्पून यूज करना है, टेबल सॉल्ट जो हमारा है वो 1/2 स्पून यूज करना है। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो जो हम आज आम पन्ना बना रहे हैं, सबसे पहले हम इसका कंसंट्रेशन बनाएंगे, जिसको आप 1 साल तक और या फिर 3 महीने तक, दो तरह से बन सकता है। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, तो फिर उसके स्टोर रखने के बाद हम इसको इजिली 1 मिनट में जो है बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये कैसे बनता है कॉन्सेंट्रेशन। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है अपने जो मैंगो है उनको रफली चॉप कर लिया है, और हम इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे अभी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है जो इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, ज्यादा पानी नहीं डालना है। ठीक है, अब हमने इसको 4 से 5 मिनट बॉयल होने देना है और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। सो गाइस, देखिए ये पानी जो था ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अभी हम इसको कूल डाउन होना रख देंगे। ठीक है, अच्छे से ठंडा हो जाएगा और तब तक हम अपना जो सिरप बनाना है हमने शुगर का वो बना लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं उसको। सो गाइस, सबसे पहले हमने पैन ले लेना है एक। ठीक है, और यहाँ पे मैं पूरा 1 कप इसके अंदर नॉर्मल जो है वो पानी डाल दिया है, और इसके अंदर हम 400 ग्राम जो है शुगर डालेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ 1 तार की चाशनी बनानी है। ठीक है, तो हम इसको अब अच्छे से पकने देंगे और 1 तार की चाशनी बनाएंगे। सो गाइस, ये जो हमारा कच्चा आम है वो ठंडा हो चुका है और मैंने इसको जार के अंदर डाल लिया है। अब मैं यहाँ 1 कप जो है पुदीने के पत्ते ले रही हूँ, उसके बाद हम इसके अंदर 1 स्पून जो है काली मिर्च डालेंगे, और 1 स्पून हम ब्लैक सॉल्ट डाल रहे हैं, और 1/2 स्पून हम नॉर्मल सॉल्ट डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, ग्राइंड हो चुका है, देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है। चलिए अब इसको हम चाशनी में डालते हैं। तो गाइस देखिए, जो हमारी शुगर थी वो अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो मैंगो की हमने प्यूरी बनाई है वो डाल रहे हैं। गाइस, इसके अंदर हमने प्यूरी डाल दी है और ये देखिए कितना थिक होने लगी है इसकी कंसिस्टेंसी, और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था इसको दो तरह से बना सकते हैं। अगर आप उसको 3 महीने के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप नॉर्मली बना सकते हैं, और अगर आप इसको 1 साल के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसमें एसिटिक एसिड जो होता है वो 1 चम्मच अब भी डाल सकते हैं, तो आप इसको 1 साल पूरा अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं भाई 3 महीने के लिए बना रही हूँ अभी। अभी हमने इसको फ्लेम जो है मीडियम कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्सअप होने देंगे एक दूसरे में। देखिए कितना ज्यादा ये अच्छा जो कंसिस्टेंसी है इसकी हो गई है। 1 तार की जो हमारी चाशनी थी वो बन के रेडी है बिल्कुल। चलिए अब इसको हम छान लेंगे। सो गाइस, अभी हम जो अपना कंसंट्रेट हमारा रेडी है उसको छान लेंगे। पूरा डाल दिया है मैंने इसके अंदर, हम इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि ये अच्छे से छन जाए। देखिए पार्टिकल जो ऊपर रह गए हैं, अब ये हमारा कंसंट्रेट एकदम रेडी है। और अब आप इसको किसी भी जार के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब हम आम पन्ना बनाते हैं अपना, जो कि 1 मिनट में बनेगा बिल्कुल। इसको एक जार में स्टोर कर लिया है, चलिए अब हम 1 मिनट में झटपट आम पन्ना बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 स्पून जो है आम पन्ना डाल रही हूं, उसके बाद हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे
दैट्स इट। इसके बाद हम इसमें मिंट की लीव्स डाल रहे हैं और उसके बाद बिल्कुल चिल्ड पानी, और अब हम स्पून से इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ये झटपट आम पन्ना की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू।